प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्वी चंपारण में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। चूंकि अब लोकसभा चुनाव में पूरा फोकस छठे और सातवें चरण पर है, प्रधानमंत्री बिहार और यूपी में धुआंधार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। पीएम ने आज के संबोधन की शुरुआत कुछ यूं की कि पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त, इसके बाद के चरण में ध्वस्त और पांचवें चरण में पूरी तरह से परास्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये देश में भ्रष्टाचार पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर बड़ा प्रहार होगा। इक्कीसवीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर।